की रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक ऐसी डिश लेके आए हैं जो कि सभी जगह बनती, पर यूपी बिहार की ये प्रमुख डिश होती है, लिट्टी चोखा। तो पहले तो वो भट्टी में बनाते थे लोग, ओवन में बनाते हैं, अब कुकर में। मैं कुकर में बनाऊंगी कि कुकर में हम कैसे घर में आराम से बना सकते हैं, और ओवन में भी बन जाता है, लेकिन कुकर तो सभी के पास होता है तो बहुत आराम से इसमें बन जाता है। तो देखिए मैंने इसमें क्या है, क्या लिया हुआ है, ये मैंने ये तैयार करके अपना रखा हुआ है। ये मैंने इसमें ये आप कोई भी कटोरी का नाप ले लीजिए। मैंने इसमें चार कटोरी मैंने ये आटा लिया हुआ है। उस आटे के अंदर मैंने तीन, ये जो हमारे पास है ये देसी घी मैंने इसके अंदर डाला है, 3 टेबल स्पून बड़ी वाली देसी घी डाला है। और मैंने इसमें अजवाइन डाली है 1/2 स्पून, ये देखिए अजवाइन है। इसको मैंने ऐसे करके और ऐसे क्रश करके डाला है, ऐसे करके तो अच्छा फ्लेवर आता है, ऐसे डाला है इसमें। और 1 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है इसके अंदर, और थोड़ा 1/2 चम्मच नमक डाला है। तो इसको जो है करके मैंने इसको रख दिया। तो ये मेरे एक घंटे, मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया रेस्ट करने के लिए। तो अब ये मेरा तैयार हो गया है। ये अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं कुकर में बनाऊंगी, तो मैंने कुकर लिया हुआ है ये, और ये देखिए कुकर, आपका जो भी कुकर हो। और इस कुकर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी सीटी निकाल देंगे, विसिल निकाल देंगे, और इसकी गास्केट भी निकाल देंगे ये, और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, पर मैं इसके अंदर थोड़ा घी डालूंगी अभी। तो अभी तो खाली है ये, अभी मैं इसमें घी डालती हूँ। और ये दो चीज़ मैं बिल्कुल सेपरेट करूँगी, क्योंकि इसको नहीं लगाइए। मैंने माड़ा हुआ है ये, मतलब ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो हमको 20 कांटा मारना है देखिए ये, क्योंकि बहुत टाइट होगा तो हम इसके अंदर स्टफिंग नहीं कर पाएंगे। और जो इसमें स्टफिंग हमारी है वो सत्तू की है, तो जो चने का सत्तू होता है वो मैंने लिया हुआ है। यहाँ एक बड़ा अलग कटोरा लिया है, कटोरी मतलब बड़ी ली है, एक बाउल लिया है। अगर आप पास चने का सत्तू नहीं है तो आप चना भी ले आइए, उसको पीस लीजिए, तो भी वही बन जाएगा ये। तो ये मैंने एक कटोरी ले लिया हुआ है। अब मैं इसकी तैयार करती हूँ। अकॉर्डिंग नमक डालिए, हल्की से मैं इसमें हल्दी डालूँगी 1/4, और 1/4 ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूँगी देखिए। और इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्च रखी हुई है, तो मैं इसके अंदर हरी मिर्च डालूंगी ये काटी हुई। वैसे आपको जितनी खाते हो सबसे लीजिए, ये देखिए मैंने एक हरी, दो हरी मिर्च मैंने काटी हुई है। थोड़ा सा धनिया डालिए, और इसमें मैंने प्याज लिया हुआ है ये। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप प्याज मत डालिए, हम भी प्याज खाते हैं इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और ये मैंने अदरक को ग्रेट करके रखा हुआ है, और मैं इसके अंदर इसमें ये देखिए 1 स्पून करीब ये घिसी हुई अदरक है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी 1/4, देखिए इतना। इसको मिक्स करते हैं, पीस लीजिए। पर मेरे पास पेस्ट रखा हुआ है, तो मैं इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर या खटाई जो भी आप कहते हो। इसमें मैं ये देखिए इतना डालूँगी, केवल समझ लीजिए 1/2 से भी कम। और आप पास मिर्च का मसाला हो, लाल मिर्च का मसाला हो या हरी मिर्च का मसाला हो, या फिर आपके पास आम का मसाला हो, जो मसाला हो वो इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिए। तो मेरे पास तो ये आम का मसाला है, तो मैं आम का मसाला ये देखिए इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए आम का मसाला मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आ जाता है। और पर अभी हमारी स्टफिंग थोड़ी जो है वो अभी ड्राई है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं डालेगा नहीं तो भरेगा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अभी थोड़ी ड्राई लग रही थी, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इधर मेरा कुकर भी गर्म हो रहा है, और मैंने इसको गर्म करने रख दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल रही हूँ, ये देखिए
इतनी बड़ी बड़ी बनाएंगे, ऐसे गोल बनाएंगे। तो बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से इसमें से लोई लीजिए और इसको इस तरह से हाथ पे रखिए। ये देखिए सीखिए, बाउल टाइप की, कटोरी टाइप की बन जाएगी ये, और इसके अंदर हम ये अपनी स्टफिंग को भर देंगे। अच्छे से भरिए इसमें। और इधर मैंने कुकर रखा हुआ गैस पे, और उसमें मैंने घी डाला हुआ है, जिससे घी जब तक गर्म हो रहा है, जिससे चिपकेगी नहीं, बहुत ही क्रिस्पी। ऐसे करके मैं इसको देखिए इसको मोड़ देंगे, इसको ऊपर कर देंगे और फिर इसको गोल गोल, देखिए ऐसे हम बनाते जाएंगे इसको। और ये आप इसको बनाइए तो ये कम से कम हमारे कुकर में बनने में 30-40 मिनट लग जाता है। तो इस तरह से आप एक बाउल बनाइए, इसे अपने हाथ में, ना चकले बेलने की कोई ज़रूरत नहीं, बेलने की कोई ज़रूरत नहीं, बस देखिए ये बनाया। इसके अंदर मैंने स्टफिंग को फिल कर दिया, ये देखिए को अच्छे से फिल करिए, और बहुत ही खस्ता बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी ये, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से खस्ता। बिल्कुल देखिए गोल कितनी बढ़िया लग रही है ये लिट्टी। इस तरह से अपनी सारी बनाएंगे, कुकर में सेट करेंगे। बार में कम से कम 5-6 तो बनी जाएंगी इसमें। अब इसी तरह इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुकर में, देखिए मैंने घी लगाया है, पूरा ग्रीस किया हुआ घी से, और गैस बिल्कुल मेरी स्लो है। अब मैं एक एक करके इस पर ऐसे करके लगा दूँगी, देखिए कुकर को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एकदम आटा चिपक जाएगा। देखिए और ये देखिए, ये देखिए आ गया इसमें, और थोड़ी थोड़ी दूर पर रखेंगे जैसे ये फूलती हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये इसके ऊपर जो है लिट्टी के ऊपर भी थोड़ा सा मैं घी लगा दूँगी, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर भी देसी घी लगा दूँगी, क्योंकि लिट्टी तो देसी घी में ही अच्छी लगती है। ये देखिए बाकी घी लगा हुआ है इसमें, और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, और 10 मिनट बाद फिर इसको हम खोल के थोड़ा इसको उलट देंगे। ये देखिए रख दी, और 10 मिनट बाद मैं इसको उलट दूंगी इसको, और इधर फिर सेकंड लॉट रखूंगी। और इधर मैंने अपना चोखा बनाने के लिए मैंने इस तरह की, मेरे पास ये देखिए ग्रिल है गैस पे रखने की, इस पर रख के गैस पे रख के, और मैंने बैगन भूना है और टमाटर भूना है, भून लिया बैगन को पहले मैंने खूब धोया, साफ़ किया, पोंछ दिया, और उसके ऊपर मैंने तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद मैंने थोड़े चीरा लगाया, देखा अंदर कीड़ा तो नहीं है, और फिर देखने के बाद उसके अंदर देखिए मैंने ऐसे हरी मिर्च डाली है, और ये देखिए मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है, और इस तरह मैंने इसको भून लिया, ये देखिए, और फिर इसको छील लिया है। इस तरह से आप चेक भी कर लेंगे कि कीड़े वगैरह तो नहीं है इसमें। ये देखिए लहसुन भी डाला मैंने, और इसका छिलका तेल लगाने से आसानी से निकल जाता है। तो अब हम इसको इसमें मैश कर देंगे, देखिए क्योंकि मुझे भरता बनाना, बहुत लोग इसमें आलू भी मिक्स करते हैं, लेकिन मैं आलू नहीं मिक्स करती हूँ, मुझे आलू अच्छा नहीं लगता, इसलिए आलू नहीं मिक्स करते हैं। बच्चों को आलू पसंद नहीं है, इसलिए आलू नहीं मिक्स किया जाता है। ये लहसुन जो है इसको भी मैं इसी में ऐसे करके हाथ से क्रिस कर दूँगी, तो ये लहसुन भी क्रिस हो जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर बॉयल हो चुका है लहसुन, ये देखिए हो गया। ये मिर्च है इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे, ये देखिए ना, ये देखिए। और इस टमाटर को भी मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए छील दिया है बिल्कुल, ये देखिए मैं इसका जूस निकाल कर डाल रही हूँ, ये कोई मेरे यहाँ नहीं खाता है इसलिए मैं उसको हटा देती हूँ। ये देखिए से जो पोटैटो मसर होता है उसी से मैं इसको थोड़ा मैश कर रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, पैसे में आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, ये और मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर,
आधा चम्मच के करीब, और इसके अंदर ये जो मैंने प्याज ग्रेट करके रखा है ये प्याज भी डाल रही हूँ। ये देखिए, अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, और अदरक ग्रेट करके रखी वो भी डाल रहे हैं, और जो मेरे पास थोड़ा सा ये धनिया है ये भी डाल रहे हैं इसमें, इसको इसमें मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस डालूंगी, और आप अगर धनिया खाते हैं तो इसमें धनिया भी डालिए, और नहीं खाते हैं तो धनिया भी स्किप कर सकते हैं। और मैं इसमें हरी मिर्च, आप खाते हैं ज़्यादा थोड़ी हरी मिर्च भी इसमें, अभी मैं इसमें हरी मिर्च भी मिक्स करने जा रही हूँ। मेरा जो है ये बैगन का भरता कहिए या इसको चोखा कहिए, ये तैयार है बिल्कुल। मैं आलू नहीं मिक्स है, और मैं आलू का अगर कोई खाएगा तो मैं आलू का अलग से बनाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया से तरीके से इसमें हरी मिर्च भी डाल दी मैंने, सब कुछ पड़ा है मेरा, तैयार है। अब हम इधर चलते हैं देखने के लिए अपने कुकर में कि मेरी लिट्टी का क्या हालचाल है। ये देखिए, अभी तो अपनी जगह ये स्टील है, तो देखते हैं अभी इसको। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, इसलिए मैं इसको अभी बंद कर देती हूँ। देखिए, अपनी जगह ही है ये, इसलिए मैं इसको भी बंद करती हूँ, और स्लो से थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, मीडियम कर देते हैं। अंदर जो मेरे बैगन के अंदर लगा हुआ था लहसुन, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऊपर से भी इसमें ग्रेट करके लहसुन डाल रहा हूँ, तो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आप जब इसको खाएंगे। देखिए, ये इस तरह से मैं इसमें, और 2 चम्मच तेल, कच्चा वैसे लोग डाल लेते हैं इसमें, लेकिन हमको किसी को हमारे घर में पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तेल को मैंने गर्म कर लिया है, और मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है इसमें तेल डाल दूँगी, वो भी गर्म। आप कच्चा खाना हो पसंद आता हो तो आप कच्चा भी डाल सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग कच्चा ही डालते हैं, बस ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। और ये मेरा भरता जो है या चोखा कहिए, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हो गया ये, बस 5 मिनट बाद खोला है। बार बार बीच में 5-5 मिनट इसको देखते रहते हैं। अभी देखिए, काफ़ी सीख चुके हैं ये। इसके बीच पर से हमको थोड़ा थोड़ा घी भी डालना पड़ता है, जिससे कि ये अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और देखिए, काफ़ी पक चुके हैं, क्योंकि इसमें क्रैक आ गया है, तो इसकी पहचान ये है कि अगर ये बन जाते हैं तो ये अपने आप क्रैक आने लगता है इसमें, इसके मतलब ये अंदर से पक गए हैं। तो अभी इसमें मुझे 10-15 मिनट और रखना है इसको, क्योंकि हम थोड़ा क्रिस्पी बनाएंगे इसको। और देखिए, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा घी और डाल दिया है इसी में। बाटी बिल्कुल तैयार है, कितनी बढ़िया बनी है, देखिए कितनी चारों तरफ से कितनी बढ़िया सिकी हुई है ये देखिए ये, और तैयार हो गए हैं इसको। अब हम इसको कैसे सर्व करेंगे, उसके साथ मैंने ये आलू का भी भरता बनाया है, और बैंगन का भी भरता बनाया है, और साथ में प्याज है, और चटनी भी है, टमाटर की चटनी, टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालकर ये बनाई हुई है, और नींबू डाला थोड़ा उसमें, और यहाँ मैंने घी रखा है कि आप, वैसे तो बाटी घी से ही खाई जाती है, लेकिन अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो फिर मत खाइए, बिना घी के खा लीजिए। तो अब मैं इसको आपको सर्विस प्लेट में लगा कर दिखा रही हूँ। ये तो मैं इसको घी में डिप कर रही हूँ, ये देखिए वैसे इसको डिप करके ये अच्छी लगती है, लेकिन अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप मत करिए डिप घी में। ये देखिए, बिल्कुल डिप कर दी जाती है एकदम इसको, ये देखिए ये देखिए, बाटी चोखा, बैंगन का भरता, आलू का भरता, दोनों ही हमने तैयार किया हुआ है। ये मैंने मिक्स नहीं किया, मैं अलग अलग बनाती हूँ, और इधर मैंने प्याज है, और इधर हरी मिर्च है, और इधर मेरे पास हरे धनिए की और टमाटर की चटनी है। तो इसको आप बनाइए, खाइए, और पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिए, ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको ये चीज़ पसंद आई या नहीं आई, जिससे मैं आगे उसमें कुछ भी और भी जैसे आपके जो इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं उसमें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर हमारे चैनल को करिए, और आगे तक वीडियो आपको अगर बेल आइकन भी दबा देंगे तो आगे का वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। नमस्कार।